गले मिलकर गला ना दबाइए, हृदय विशाल रखना चाहिए। छोटे मन से आप ही के बड़े नेता कह गए थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। हम सबके अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो अगर चश्मा लगाती है सरकार, धूप का चश्मा नहीं, अगर सचमुच का चश्मा लगाती है, तो उसके पावर बदलिए, उसको साफ करिए। और ये तय करिए कि आज जब हम यहां से उठे तो एक कमिटमेंट दें ओबीसी वर्ग को। काहे कोट के पड़े हैं 33 पर? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि 33 के साथ क्या रिश्ता है हमारा। ये 50 क्यों नहीं हो सकता? ये 55 क्यों नहीं हो सकता? आपका पूरा का पूरा वर्ग चरित्र बदल जाएगा। आप नहीं चाहते हैं कि भगवतिया देवी यहां है देश में? शायद देयर इज नथिंग इन नेम बट एवरीथिंग इज देयर इन द सरनेम। उनके संघर्ष, उनका जीवन कठिन लगातार होता जाता है। वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। मनोज झा का ये भाषण भाजपाई ठाकुरगिरी वाली प्रवृत्ति के खिलाफ है। मनोज झा ने राज्यसभा में खड़े होकर अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ इशारा करते हुए कह दिया, गले मिलकर गला दबाने वाली प्रवृत्ति बंद कीजिए। अगर वाकई आप चाहते हैं कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े तो ये ओबीसी महिलाओं के बिना संभव नहीं है। लेकिन ये सरकार नहीं चाहती है भगवतिया देवी जैसी महिलाएं संसद में पहुंचे, क्योंकि ये ठाकुरवादी मानसिकता वाले लोग हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। मनोज झा जब भी संसद में अपनी बात रखते हैं तो भाजपाइयों के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो भाजपा को आईना दिखाते हैं, उन्हें एक्सपोज करते हैं और अंधभक्ति का चश्मा लगाए लोगों को बेनकाब करते हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा में जब आरजेडी के मनोज झा बोलने के लिए खड़े हुए तो उनका सीधा सामना चाणक्य और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हो गया। तो मनोज झा ने साफ और सटीक शब्दों में उन दोनों की तरफ इशारा करते हुए कह दिया कि आप लोगों की जो गला लगाकर गला दबाने की जो रवायत रही है उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि 2014 में आपने युवाओं को 2 करोड़ रोजगार के नाम पर गले लगाया, लेकिन रोजगार के नाम पर उन युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर दिया। आपने महंगाई के नाम पर देश के गरीब लोगों को गले लगाया था, लेकिन महंगाई की मार से उन गरीबों का गला दबा रहे हैं। तो ये गले लगाकर गले दबाने वाली अपनी आदत को बंद कर दीजिए, क्योंकि महिला आरक्षण के जरिए आप महिलाओं को गले जरूर लगा रहे हैं, लेकिन ओबीसी का कोटा ना देकर उनका गला दबा रहे हैं। मनोज झा ने आगे शाह की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अपने दिल को बड़ा कीजिए, क्योंकि भाजपा के एक बड़े नेता कहा करते थे कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है। इसके बाद मनोज झा भाजपा के ठाकुरवादी प्रवृत्ति पर चोट करने लगे। उन्होंने कहा कि न्यायालय से लेकर संसद तक, कोर्ट से लेकर कचहरी तक, स्कूल से लेकर कॉलेज तक, हर जगह ठाकुरवादी मानसिकता है और पहले उस मानसिकता को मारने की जरूरत है, क्योंकि नाम में कुछ नहीं रखा है लेकिन सरनेम में सब कुछ छुपा हुआ है। सरनेम ही आपका संघर्ष तय करता है, आपका जीवन तय करता है। ठाकुरवादी मानसिकता वाले लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, उन्होंने चश्मा लगा रखा है, ऐसे में उन चश्मों का पावर बदलने की जरूरत है, क्योंकि आप उसी वक्त एक बड़े समाज को अच्छा संदेश दे सकते हैं जब आप उसके साथ कमिटमेंट करते हैं। लेकिन ये सरकार नहीं चाहती है कि भगवतिया देवी जैसी महिलाएं संसद में पहुंचे। भगवतिया देवी बिहार की वो पत्थर तोड़ने वाली महिला है जिसे लालू यादव ने संसद पहुंचाकर माननीय सांसद बना दिया था, लेकिन इस देश की राजनीति के व्यवस्थाएं ऐसी रही कि उसके बाद भगवतिया देवी जैसी महिलाएं संसद नहीं पहुंच सकी। गले मिलकर गला ना दबाइए, हृदय विशाल रखना चाहिए। छोटे मन से आप ही के बड़े नेता कह गए थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। हम सबके अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो अगर चश्मा लगाती है सरकार, धूप का चश्मा नहीं, अगर सचमुच का चश्मा लगाती है, तो उसके पावर बदलिए, उसको साफ करिए। और ये तय करिए कि आज जब हम यहां से उठे तो एक कमिटमेंट दें ओबीसी वर्ग को। काहे कोट के पड़े हैं 33 पर? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि 33 के साथ क्या रिश्ता है हमारा। ये 50 क्यों नहीं हो सकता? ये 55 क्यों नहीं हो सकता? आपका पूरा का पूरा वर्ग चरित्र बदल जाएगा। आप नहीं चाहते हैं कि भगवतिया देवी यहां है देश में? शायद देयर इज नथिंग इन नेम बट एवरीथिंग इज देयर इन द सरनेम। उनके संघर्ष, उनका जीवन कठिन लगातार होता जाता है। वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। तो जिस तरह से मनोज झा ने अमित शाह को गले लगाने का मतलब समझाया, चश्मे का पावर बढ़ाने की सलाह दी, ओबीसी महिलाओं के साथ न्याय करने की बात कही, भगवतिया देवी का उदाहरण देकर समझाया कि महिलाओं के साथ न्याय करने का मतलब आखिर होता क्या है,
तो सदन में मनोज झा के इस अंदाज पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा YouTube पर ज्वाइन का बटन इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।